फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद हासू में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी यूनेस्को के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट साइडें थी, उनको हम लोगों ने देखा था। विश्व में कुल कितनी इंपॉर्टेंट विश्व विरासत स्थल है, भारत के कितने विश्व विरासत स्थल है जो की यूनेस्को में शामिल है। उसके तहत हम लोगों ने देखा था कि जो सबसे पहले जुड़ा था वह आगरा का किला था और अजंता की गुफाएं 1983 में जोड़ी गई थी। और लास्ट में सबसे पहले, सबसे लास्ट में कौन सा जुड़ा, तो वो जुड़ा था ग्वालियर और ओरछा। तो भारत में कुल 40 यूनेस्को साइट हो गई है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे वो लोग पिछला वीडियो जाकर आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, देख सकते हैं। चलिए, जो लोग नए हो, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस समय हमारी जो सीरीज चल रही है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की चल रही है, जिसमें आई थिंक ये 10वीं ऑर्गेनाइजेशन हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बात करते हैं आज के चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है यूनिसेफ। इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्वेश्चन बनता है यहां से। यूनिसेफ काफी सारे एग्जाम्स में आप लोगों को इससे क्या पूछ लेता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। लेकिन 1953 में क्या किया गया कि ये इसे यूएन का एक संघ बना दिया गया। पहले यह क्या था, स्वायत्त शासी निकाय था, लेकिन 1953 में जब इसे यूएन का संघ बनाया गया एक कार्यकारी संस्था के रूप में, तब इसका जो नाम है यूनिसेफ, इंग्लिश में इसका शॉर्ट फॉर्म यूनिसेफ ही रहा, लेकिन इसमें से इंटरनेशनल और इमरजेंसी को निकाल दिया गया। ठीक है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे, पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं और पहले क्या था, प्रेजेंट में क्या है। तो पहले इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। ठीक, पहले इसका नाम यह था। अगर हम लोग इसे हिंदी में देखें तो क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन का संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। क्या था, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन, इमरजेंसी का आपातकालीन ही होता है, आपातकालीन कोष। ठीक, तो यह था इसका नाम पहले। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में हम लोग देखें तो 1953 में, जैसे कि मैंने आप लोगों से बात की कि 1953 में क्या किया गया, इसे यूएन का संघ बना दिया गया। तो यूएन का संघ बनाने से क्या होता है कि इसके नाम में भी परिवर्तन कर दिया जाता है, इसमें से क्या क्या निकाल दिया जाता है, अंतरराष्ट्रीय और आपातकालीन। लेकिन जो इसका शॉर्ट फॉर्म है इंग्लिश में वो यूनिसेफ ही यूज होता है, बट हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के रूप में अब जाना जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, उसका नाम ही मैं यहीं पर लिख देता हूं। अब यही दो चीज आप अगर हटा देंगे, राष्ट्रीय और आपातकालीन, तो क्या बचता है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ठीक, आगे बात करेंगे, चीजें लिखाएंगे भी। चलिए, सबसे पहले हम लोग कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, स्थापना क्यों की गई, उद्देश्य क्या था और इससे क्या क्या लाभ हुआ विश्व स्तर पर। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। क्या, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। देखिए क्या होता है कि जब 1945 में पूरी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, हर चीज, मैंने आप लोगों से बोला है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर आई हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही आई हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था, वो 1939 से, टाइम पीरियड में लिख देता हूं यहां पर, 1939 से 1945 तक चलता है। और सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति कैसे होती है, जब यूएसए ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या करता है, परमाणु बम से अटैक करता है, तो पूरी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति हो जाती है। ठीक, ये चीज हम लोग हर वीडियो में बात करते हैं, क्यों, क्योंकि यहीं से हर संस्थाओं का जन्म हुआ है। चलिए बात करेंगे कि ये यूनिसेफ कब आया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि 4 से 5 ऑर्गेनाइजेशन थी जिनकी स्थापना की गई विश्व स्तर पर, लेकिन ये जो हमारा यूनिसेफ है इसका मेन मोटिव क्या बनाया गया,
कि जब किसी भी जगह पर चाहे देश में हो चाहे पूरे वर्ल्ड तौर पर अगर युद्ध होता है, क्या चीज समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर युद्ध होता है तो उससे बहुत ज्यादा जान माल की हानि होती है, जो वो जगह होती है पूरी तरह से उसकी आर्थिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था सब कुछ टूट जाती है, भुखमरी जैसी कंडीशन आ जाती है अगर वार होता है युद्ध होता है तो। उस समय क्या हुआ, जब इस विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो पूरी तरह से विश्व में भुखमरी फैल गई, खास करके बच्चों और उनकी माओं पर जो नवजात शिशु थे। तो क्या किया गया, यूनिसेफ की स्थापना की गई, और यूनिसेफ की स्थापना का मेन जो मोटिव था युद्ध में जो क्षति हुई थी, युद्ध में जो क्षति हुई उसको पूरा करने के लिए, खास करके बच्चों के लिए, जो बच्चे थे और उनकी जो माएं थी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और वह कैसी आवश्यकता, तो खाद्य सामग्री की, ठीक, खाद्य आवश्यकता जो उनकी थी जिससे कि पेट भर सके, जीवन यापन कर सके लोग, तो वहां की भुखमरी को मिटाने के लिए यूनिसेफ की स्थापना की गई। जैसे कि आजकल आप लोग बहुत सारे एनजीओ वगैरह देखते होंगे, तो अगर आप लोग इसे उस टाइम का एनजीओ बोले तो ये भी गलत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उस समय यहाँ कोई सरकारी निकाय नहीं था, ठीक है। चलिए, इम्पोर्टेंट चीज इसकी यही थी कि यह क्यों स्थापित किया गया, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आई भुखमरी को दूर करने के लिए बच्चों और उनकी माताओं अर्थात महिलाओं के बारे में पूरी तरह से उन्हें भुखमरी से दूर करना, अन्न का उन्हें भरपूर पोषण देना ही इसका मेन मोटिव रखा गया था। तो यह इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब होती है, तो स्थापना होती है 11 दिसंबर 1946 में, 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हेडक्वार्टर इसका पड़ जाएगा आपके न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, हम लोग एक एक कर लिखेंगे और इसका उद्देश्य भी लिखेंगे। और अगर आप लोग देखेंगे तो इसे क्या दिया गया था, एक बार नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया था, सिर्फ, ठीक है, पीस प्राइज दिया गया था नोबेल का। और वो टाइम पीरियड कौन सा था, तो 1965 में, और आगे चलकर 1989 में इसे इंदिरा गांधी अवार्ड दिया जाता है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। कई सारे अवार्ड मिले हैं, सब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन यहीं से बनता है। ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन बनना श्योर है एकदम, कोई भी एग्जाम, अगर खास करके आप लोग स्टेट पीसीएल और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक। तो ये आप लोग नोट डाउन करिए इतनी चीजें, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ये बेस चीज है इसकी कि 1939 से 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, काफी लोग जानते होंगे, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसे नोट डाउन कर ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके आप लोग नोट डाउन करें, स्टोरी के तौर पर चीजें बताऊंगा सब याद हो जाएंगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, उस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या फिर नोट डाउन कर लिए होंगे। हम लोग बात करेंगे स्थापना, मुख्यालय, हेड, और इसकी मेंबर कंट्रीज क्या कैसे हैं, कहां पर इसके कार्यालय स्थापित किए गए हैं, और गठन में भूमिका किसकी सबसे ज्यादा थी, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। स्थापना इसकी कब होती है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही होती है। अगर ऑप्शन में आप लोगों को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब की गई है, और उसमें एक पॉइंट आपका जो है, एक विकल्प है, वह सेकेंड वर्ल्ड वार अर्थात 1945 के बाद का देता है, और बाकी तीन विश्व युद्ध के पहले का या उस टाइम पीरियड का देता है, तो बेझिझक आप लोग 99% उसमें यह होता है चांस कि वही ऑप्शन सही होगा जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने की अपनी एक ट्रिक होती है, तुक्का भी अगर आपको लगाना है तो किस हिसाब से लगाओ, अगर आपके पास कुछ नॉलेज है तभी आपका तुक्का भी सही होगा, वरना तो सबका तुक्का सही हो सकता है, ठीक है। चलिए, बात करेंगे इसकी स्थापना कब होती है, तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना होती है, वो आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे, व्हाइट बोर्ड छोटा इसलिए मैंने उसे भी रफ कर दिया। चलिए, बात करेंगे मुख्यालय कहाँ है, अभी मैंने बात की थी मुख्यालय के बारे में, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर, तो इसका मुख्यालय पड़ता है न्यूयॉर्क में, कहां पर, न्यूयॉर्क में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में, स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। बात करेंगे कि इसकी प्रमुख कौन है, प्रेजेंट टाइम में जो प्रमुख है वह अमेरिकन है और लेडीज है, ठीक, प्रमुख के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसे आप लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है, ठीक। तो प्रमुख का नाम क्या है, हेनरिट्टा एच
हेनरिटा एच फोरे, ठीक है, और ये क्या है, यह अमेरिकन महिला है, अमेरिकन महिला। ये पूछ लेता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो प्रमुख बनी है या बने हैं उनका निजी निवास कहां है, वो किस देश से किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। ठीक, जैसे हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, WHO और WTO दोनों के जो लोग हैं वो अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। चलिए, ये हो गया प्रमुख के बारे में, स्थापना हो गया, मुख्यालय हो गया और इसके हेड हो गए। बात करेंगे कि इसके गठन में भूमिका कौन निभाता है, या फिर अगर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका कार्य क्षेत्र क्या है। ठीक, कार्य क्षेत्र मतलब कितने देशों में यह कार्य करता है, ये देख लेंगे, फिर भूमिका के बारे में देखेंगे। इसका कार्य क्षेत्र और क्षेत्रीय कार्यालय भी हम लोग देखेंगे। तो यह जितने कंट्रीज में कार्य करता है वह इसका पूरा का पूरा क्या होता है, कार्य क्षेत्र होता है। तो वह कहां में करता है, 190 कंट्रीज में, 119 कंट्रीज में। ठीक, 190 देशों में यह पूरी तरह से कार्य करता है। और अब बात करेंगे कि इसके क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कार्यालय, पहले कार्यालय के बारे में देखेंगे। कार्यालय एक ये होता है कि एक हेड ऑफिस होता है और उसके बाद कई सारी ब्रांचेस होती हैं, तो वो कार्यालय ऑफिस के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ कहां पर है, तो 150 से ज्यादा देशों में, 150 से ज्यादा देशों में इसका क्या है, कार्यालय है। आगे अगर हम लोग बात करें कि इसकी राष्ट्रीय समितियां कितनी है, कौन सी राष्ट्रीय समितियां, राष्ट्रीय समितियां, नेशनल कमेटीज जिसे हम लोग बोलते हैं, इंटरनेशनल कमेटीज, वो कहां पर है इसकी, तो कुल है 38, उनकी संख्या क्या है, 38। इसका आशय यह है कि 38 कंट्रियों में है। ठीक, तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करेंगे क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस जिसे हम लोग बोलते हैं, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। किसी भी बुक में या किसी भी चैनल पे आप लोगों को इस तरह से डीपली चीजें नहीं मिलेंगी, सिर्फ हेडक्वार्टर बता के आगे निकल जाते हैं। ठीक, क्षेत्रीय समितियां, सॉरी क्षेत्रीय समिति नहीं, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं इसके, तो वो 7 है, कितने, 7। तो ये सारे इसके क्या थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसके स्थापना और कार्य करने की प्रकृति से रिलेटेड। तो ये आप लोग नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे इसके गठन में किसकी भूमिका थी सबसे ज्यादा, उसके बारे में भी देखेंगे, और साथ ही हम लोग देखेंगे कि इसका मेन मोटिव क्या था, उद्देश्य जो था वो भी लिखेंगे, और आगे चलकर कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके हम लोग लिखते जाते हैं। कब यहाँ यूएन का हिस्सा बना और कब इसके नाम में परिवर्तन किया गया और इसने क्या प्रमुख कार्य किए और इसे कब नोबेल का शांति पुरस्कार मिला, कब इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला, आगे चलकर एक और पुरस्कार मिलता है, प्रिंस ऑफ अस्टूरियंट अवार्ड, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक, आपूर्ति विभाग देखेंगे, इसका वित्त पोषण कैसे होता है, सारी चीजें क्लियर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, इससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अगर आप लोग उससे एमसीक्यू सॉल्व करते होंगे, चाहे स्टेट पीसीएस का चाहे यूपीएससी का, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप लोग एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या याद रखना है, इसकी स्थापना कब होती है, मुख्यालय कहाँ है, इसके प्रमुख कौन है और कितने इसके मेंबर कंट्रियां हैं और भारत उससे जुड़ा है कि नहीं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है। और बाकी जो मैं डीपली चीजें बताता हूं कि यहाँ कार्य क्या करता है, कैसे यहाँ करता है, उद्देश्य क्या है इसका, वो सब यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। ठीक, तो उसमें आप लोगों को उलझने की जरूरत नहीं, ये चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूं पहले ही। चलिए बात करेंगे हम लोग इसके आगे कि इसकी स्थापना में जो प्रमुख थे, जिनने मुख्य भूमिका निभाई थी, वह कौन थे। तो कैसे लिखेंगे, गठन में मुख्य भूमिका किसकी थी, गठन में मुख्य भूमिका। ठीक, तो गठन में मुख्य भूमिका निभाई थी किसने, वो है पोलैंड के चिकित्सक लुडविक रासमन। पोलैंड के चिकित्सक अर्थात डॉक्टर, इनका नाम इंपॉर्टेंट है यूपीएससी वालों, आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं, जो लोग यूपीएससी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूनिसेफ के गठन में सबसे प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी और वो कहां के थे। तो वो पोलैंड के थे, चिकित्सक थे, उनका नाम क्या है, लुडविक रामसन। क्या, लुडविक,
ठीक, ये नाम था उनका, लुडविक रासमन, रामस नंबर ने लिख दिया क्या, लुडविक रासमन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मुख्य भूमिका का आशय यह है कि इन्होंने इसकी नींव रखी, इन्होंने इसके बारे में बात की कि कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो भुखमरी से रिलेटेड कार्य पर अपना जोर लगाए, बच्चों को पूरी तरह से सपोर्ट करे। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि बच्चों के द्वारा भी एक फंड का गठन किया गया, जिसके माध्यम से क्या होता है, इसके वित्त पोषण में सहायता मिलती है, और उस गठन का नाम क्या है, वो है ट्रीट आर ट्रीट फॉर यूनिसेफ, ट्रीट आर ट्रीट फॉर यूनिसेफ, यहाँ बच्चों द्वारा फंड इकट्ठा किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में, इसका मेन मोटिव क्या था स्थापित करने का, मैंने आप लोगों से बताया है वह क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तबाह हुए देशों के बच्चों के बारे में, क्या विस्तार से हम लोग लिखेंगे इसे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन यूपीएससी में बनेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तबाह हुए देशों में, तबाह हुए देशों में, देशों में बच्चों और माताओं को, बच्चों और माताओं को, बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में आपातकाल स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, ये चीज मैं आप लोगों से वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, उपलब्ध कराना, ये आप लोग भी मेरे हिसाब से नोट डाउन कर ही लेंगे, मुझे पता है कि आप लोग याद कर लिए होंगे, ये बहुत ही इजी है कि यूनिसेफ की स्थापना क्यों की गई, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में आई भुखमरी को दूर करने के लिए, खास करके बच्चों और उनकी माताओं से रिलेटेड जो भी भुखमरी थी या फिर स्वास्थ्य संबंधी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए इसे बनाया गया। तो याद तो सॉरी हो गया होगा आपको, लेकिन लिख लेंगे तो कल को जब एग्जाम देने जाएंगे तो एक बार रिवीजन कर लेंगे तो माइंड में सेट रहेगा। चलिए उद्देश्य के बारे में हम लोगों ने बात इसके कर ली, आगे बढ़ेंगे हम लोग कि इसका विस्तार होता है आगे चलकर। विस्तार का आशय यह है कि यह सीमित था, सीमित देशों में यह कार्य करता था, लेकिन टाइम पीरियड 1950 है, 1950 में इसका विस्तार किया गया, कहां, विकासशील देशों में, 1950 में यह विकासशील देशों में भी कार्य करने लगा, विकासशील देशों में भी कार्य करने लगा। विकासशील देशों का मतलब यह है जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो विकास के रास्ते पर चल रही हैं, धीरे धीरे अपना विकास कर रहे हैं। इंडिया भी हमारा उसी में आता है, इंडिया हमारा न तो विकसित है न तो अल्प विकसित है, यह विकासशील है और यह विकास कार्य में सही तरीके से लगा हुआ है। ठीक, यह हो गया। अब बात आती है आगे चल के क्या होता है, यूएन का हिस्सा बनता है, यह विस्तार है, यूएन का हिस्सा। अभी मैंने आप लोगों से बात की थी कि यूएन का हिस्सा बनने पर इसमें क्या बदलाव किया गया था। ठीक, यह 1950 हो गया, 1953 का टाइम पीरियड है, 1953 में यह क्या हुआ, यूएन का हिस्सा बन गया, यूएन का एक स्थायी हिस्सा बन गया। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का, यूएन का मतलब संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का क्या बन गया, स्थायी हिस्सा बन गया, परमानेंट मेंबर, स्थायी हिस्सा बन गया। ठीक, ये चीज याद रखेंगे कि यूएन का हिस्सा यह कब बनता है यूनिसेफ, क्या यह स्टार्टिंग से यूएन का हिस्सा था, ऐसा नहीं है, यह एक स्वायत्त निकाय था, लेकिन आगे चलकर जैसे WTO क्या है, पहले गेट के रूप में स्थापित किया गया, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ,
1995 में उसको WTO के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से यूएन का एक स्वायत्त निकाय है, मतलब यूएन से वह किसी तरह से प्रभावित नहीं है, यूएन से जुड़ा हुआ नहीं। लेकिन अगर हम लोग WHO के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वह यूएन का ही एक हिस्सा है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक, याद रखेंगे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है और उसे आप लोगों को याद करना कंपलसरी है। क्या होता है कि जब यह 1953 में संयुक्त राष्ट्र का स्थायी हिस्सा बनता है तो इसके नाम में से दो चीजों को हटा दिया जाता है, एक इंटरनेशनल और एक इमरजेंसी, अर्थात आपातकालीन और हमारा अंतरराष्ट्रीय शब्द जो था उसे हटा दिया गया। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसे नोट डाउन करेंगे। अब इसका नाम क्या होता है, नाम से अंतरराष्ट्रीय और आपातकालीन शब्दों को हटा दिया गया, नाम में से अंतरराष्ट्रीय और आपातकालीन दोनों शब्दों को हटा दिया गया, दोनों शब्दों को हटा दिया गया, ठीक। मतलब कि इसका जो नाम पहले क्या था, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, इसमें से क्या किया गया, इस नाम को हटा दिया गया, आई और ई को। लेकिन इसका जो संक्षिप्त रूप है इंग्लिश में, वो यूनिसेफ ही यूज किया जाता है, ये याद रखेंगे। कहीं आप लोग ये ना सोच रहे कि यूनिसेफ की जगह UNCF यूज किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यूनिसेफ ही यूज होता है। इंग्लिश में अगर हम लोग देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में तो यूनिसेफ ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी में जहां हम लोग इसे बोलते थे संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, लेकिन अब बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, सिर्फ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, सिर्फ चार वर्ड निकल के आएगा बस, ठीक। इसे आप लोग नोट डाउन करें, फिर मैं आगे लेके आप लोगों को समझाता हूं कि अब क्या यूज किया जाता है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग जितनी जल्दी हो सके, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और चीजों को क्लियर करता जाऊंगा। चलिए, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए बात करेंगे कि इसके नाम में तो परिवर्तन हुआ, बट नया नाम क्या रखा गया, चलिए यही चीज देखना है हम लोगों को। तो इसे हम लोग नोट करके लिख लेंगे, क्या नोट के रूप में ऐसे लिखेंगे। पहले इसका नाम क्या था, यूनिसेफ, अर्थात संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन बाल आपातकालीन कोष, याद रखेंगे ये टर्म। लेकिन अब क्या कर दिया गया, वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ये आप लोगों से पूछ लेगा, ठीक है। तो इसे हमेशा आप लोग याद रखेंगे, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, लेकिन करके हम लोग लगा लेंगे, लेकिन इसका जो संक्षिप्त रूप है, क्या संक्षिप्त रूप में इसे यूनिसेफ ही यूज किया जाता है, क्या UNICEF यूनिसेफ ही यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है कि यूनिसेफ में से इंटरनेशनल और इमरजेंसी को हटा दिया गया। देखिए दोनों वर्डों को तो हटा दिया गया हिंदी में, मतलब कि इंटरनेशनल और इमरजेंसी अर्थात अंतरराष्ट्रीय और आपातकालीन ये चीज हट गई है, बट शॉर्ट फॉर्म इसका यूनिसेफ ही यूज किया जाता है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों से क्वेश्चन यहां से बन सकता है और आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक। तो आई होप कि ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका वित्त पोषण कहां से होता है, क्या वित्त पोषण, यूनिसेफ का वित्त पोषण कहां से किया जाता है, तो उसके लिए क्या होता है, कुछ निजी संस्थाएं इसका वित्त पोषण करती हैं, कुछ बच्चों द्वारा स्थापित किया गया फंड उसके माध्यम से वित्त पोषण होता है, और कुछ निजी संस्थानों के माध्यम से सरकारी सेवाओं द्वारा इसका पूरी तरह से क्या किया जाता है,
वित्त पोषण किया जाता है। तीन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से लिखेंगे जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। सबसे पहले लिखेंगे विभिन्न सरकारों और निजी दाताओं द्वारा, किसके द्वारा, विभिन्न सरकारों और निजी दाताओं द्वारा, किसके द्वारा, निजी दाताओं द्वारा, ठीक, इसका वित्त पोषण किया जाता है। यूपीएससी के लिए आप लोग बेफिक्र होकर चीजें लिखिए, मेंस में लिख सकते हैं यह चीज आप, ठीक। चलिए सेकंड पॉइंट, आप लोगों के इंटरव्यू में भी यह काम आएगा, तो इसलिए भी केयरफुल इसे ध्यान देंगे। सेकंड में शेष योगदान निजी समूहों राष्ट्रीय समितियों के माध्यम से, शेष योगदान निजी समूहों द्वारा, क्या, निजी समूहों द्वारा राष्ट्रीय समितियों के माध्यम से, राष्ट्रीय समितियों के माध्यम से, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों फैक्ट याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो बच्चों द्वारा स्थापित किया गया क्या है, इसका फंड है, ठीक, उसे हम लोग देखेंगे। क्या है, अमेरिका, नेपाल इत्यादि देशों का भी नाम यहां दिया गया है, अमेरिका, नेपाल इत्यादि देशों में क्या क्या किया जाता है बच्चों द्वारा, इत्यादि देशों में बच्चों द्वारा फंड इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, क्यों, क्योंकि यहां बच्चों के लिए ही यूनिसेफ स्थापित किया गया है, और बच्चों द्वारा जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उस फंड का नाम क्या है, बच्चे किस रूप में पैसा लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी वालों के लिए याद रखेंगे। क्या है वह, ट्रीट आर ट्रीट फॉर यूनिसेफ, क्या, ट्रीट आर ट्रीट फॉर यूनिसेफ, ठीक, इसे आप लोग याद रखेंगे, सॉरी ट्रीट नहीं है, ट्रीट आर ट्रिक आर, क्या, ट्रिक आर, ट्रिक आर ट्रीट फॉर यूनिसेफ, इस नाम से क्या करते हैं, बच्चे पैसे इकट्ठा करते हैं यूनिसेफ के लिए। पूछ लेगा आप लोगों से कि यूनिसेफ का वित्त पोषण कितने प्रकार से होता है, आप तीनों लिख सकते हैं, एक निजी संस्थानों द्वारा और एक निजी समूहों के द्वारा राष्ट्रीय समितियों के माध्यम से, जो नेशनल कमेटीज बनाई गई हैं उनके माध्यम से। लेकिन थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका और नेपाल जैसे कई देशों में बच्चों द्वारा फंड इकट्ठा किया जाता है। क्वेश्चन बना दिया कि यूनिसेफ में बच्चों द्वारा जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वह किस फंड के माध्यम से किया जाता है, तो फंड का नाम है ट्रिक आर ट्रीट फॉर यूनिसेफ, ट्रिक आर ट्रीट फॉर यूनिसेफ, ठीक। आई होप ये चीज आप लोग क्लियर कर चुके होंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग एक नोट लिखेंगे, उसके बाद पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका आपूर्ति विभाग कहां पर है वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट तुरंत लिया करिए, ये पॉइंट आप लोगों को कहीं मिलने वाले नहीं है। एक साथ कई सारी बुकें और कई सारे अगर मैगजीन्स वगैरह आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें यह सारी चीजें आप लोगों को अलग अलग मिलेगी, और मैं सारी चीजें अगर आप लोगों को एक जगह प्रोवाइड करवा रहा हूं तो ये आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाइए, सही तरीके से पढ़िए, प्रिपरेशन करिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक। मैं वीडियो के लास्ट में कुछ बात करने वाला हूं, जो अमरोहा में क्या हो रहा है कि भारत में पहली बार एक महिला को फांसी दिया जा रहा है, तो मैं आप लोगों से कुछ राय लूंगा, कल के कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि क्या मैं वो वीडियो एक शूट करके अपलोड कर दूं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास भी शक्ति होती है कि फांसी को वह माफ कर सकता है, क्षमादान की शक्ति, आप सबको पता होगा आर्टिकल 72 के तहत 4 या 5 प्रकार की, उसे क्या की गई है, 5 प्रकार की क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन होती है। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट में, जैसा आप लोगों का कल रिस्पांस आएगा मैं उस हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो उस टॉपिक पर ही मैं वीडियो बना दूंगा, और सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कि उसकी फांसी क्यों नहीं माफ हुई,
और कौन माफ कर सकता है या कैसे उसमें कमी कर सकता है, ये सारी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। खैर कल की बात है, वीडियो के लास्ट में मैं बात करता, मैंने अभी कर ली। ठीक, चलिए, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तभी मैं वो वीडियो लेकर आऊंगा, अन्यथा हमें मेरे हिसाब से जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग यूपीएससी स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि राष्ट्रपति के क्षमा दान से क्वेश्चन बनना आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भारतीय महिला को फांसी हो रही है, पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत में किसी महिला को फांसी हो रही है, तो इसमें राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह फांसी को माफी भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, उसमें कोई भी सजा हो, तो उससे रिलेटेड 5 पॉइंट है क्षमादान की शक्ति। अगर आप लोग कहेंगे तो कल मैं आर्टिकल 72 10 या 15 मिनट में आप लोगों को सही तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसकी फांसी क्यों नहीं माफ हुई। उसका एक छोटा बच्चा भी है ताज नाम का, उसने भी अर्जी लगाई लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। डेथ वारंट पूरी तरह से नहीं लाया गया है लेकिन फांसी की सजा सुना दी गई है उसे। उसने अपने ही फैमिली के 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी कुल्हाड़ी से काटकर, तो वो हम लोग कल बात करेंगे, पहले आज इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। चलिए बात करेंगे क्या इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक वित्त पोषण से, वह क्या है, आपूर्ति विभाग इसका कहां पर है, ध्यान देंगे, इसका आपूर्ति विभाग, ठीक है, आपूर्ति विभाग जो इसका है वह कहां पर है, कोपेनहेगन में, कोपेनहेगन में। सारे चीज इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, यूपीएससी स्टेट पीसीएस, मेरा फोकस वही होता है, क्योंकि जो छोटे एग्जाम्स होते हैं ऐसा होता है ना कि अगर आपको नदी क्रॉस करनी है और आपने टारगेट बना लिया कि मुझे बीच नदी तक जाना है तैरते हुए, और आप टारगेट बना लिए कि मुझे बीच नदी तक जाना है, तो आप कभी नहीं पहुंचोगे। अगर आपने यह टारगेट बना लिया कि मुझे नदी क्रॉस कर देनी है तो कुछ भी करके आप वहां तक पहुंच जाओगे। तो इसलिए मैं जो आपके ये होते हैं वनडे एग्जाम वाले, कोई भी एग्जाम छोटा नहीं होता, लेकिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का क्या है, सिलेबस थोड़ा लेंदी है, तो उसे फोकस करके अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपके सारे एग्जाम निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग प्रिपरेशन करेंगे तब। चलिए बात करते हैं, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कि ये आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस यूपीएससी, बार बार बोलता हूं, पूछ लेगा कि यूनिसेफ का जो आपूर्ति विभाग है वह कहां पर है, तो कोपेनहेग में है। अब आपूर्ति विभाग कार्य क्या करता है, तो वह देखता है एचआईवी, पोषण खुराक और टीका की आवश्यकता, एचआईवी, पोषण खुराक, टीके की व्यवस्था, टीके की व्यवस्था कौन करता है, आपूर्ति विभाग करता है, यूनिसेफ का। और इसका मुख्यालय कहां है, आपूर्ति विभाग कहां पर स्थापित है, कोपेनहेगन में। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वह कहां पर है, न्यूयॉर्क में है, लेकिन यूनिसेफ का आपूर्ति विभाग कहां पर है, वह कोपेनहेगन में है। आई श्योर कि ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। चलिए बात करेंगे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि यूनिसेफ को 3 पुरस्कार दिए गए हैं, कौन कौन से, एक नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है और एक इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है और एक और पुरस्कार दिया गया वह है प्रिंस ऑफ अस्तूरियन अवार्ड। ये तीनों पुरस्कार कब दिए गए ये हम लोग देखेंगे। यूनिसेफ को मिला पुरस्कार या मिले पुरस्कार, ठीक, शांति के क्षेत्र में क्यों दिया गया, क्योंकि यहां पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहता है, भुखमरी वगैरह को दूर करेगा तो जाहिर सी बात है कि शांति बनेगी। लेकिन इसने क्या किया, 1965 में इसे मिलता है नोबेल का शांति पुरस्कार, 1965 में, उस साल उसके 1 से 2 सालों के बीच में इसने बहुत सही तरीके से भुखमरी पर कार्य किया था, इसलिए इसे क्या किया गया, नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, नोबेल शांति पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार जितने क्षेत्रों में दिया जाता है और इस साल कितने लोगों को दिया गया, ये आप लोग याद रखेंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड है। 2019 में अगर आप लोग देखेंगे तो किसे मिला था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कहां के थे वो, इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर थे एबी अहमद, उन्हें शांति का पुरस्कार 2019 में दिया गया था, ये याद रखेंगे। 2020 का अभी नहीं घोषित हुआ है,
2020 का आप लोग याद रखेंगे, 2020 में किसे किसे दिया गया है। अगर कहेंगे तो मैं वीडियो लाऊंगा। देखिए चीजें लेंदी, मैं नहीं सोचा था कि आप लोगों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बतानी पड़ेंगी, क्योंकि जब मैंने इकोनॉमिक्स खत्म करनी चाहिए तो वहां पर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को नहीं बताऊंगा तो पूरी तरह से इकोनॉमिक्स आप लोगों की अधूरी रह जाएगी। अब इसी को अगर आप लोग देख लें तो जो निबंध वगैरह लिखने के लिए आएंगे मेंस में, तो आप लोग इन सबको ऐड करके लिख सकते हो। स्पेशली तौर पर बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में कि इसे क्या मिलता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिलता है कब, 1989 में। 1989 में इसे क्या दिया जाता है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ठीक। तो दो पुरस्कार हो गए। ये किसे मिल रहा है, यूनिसेफ को, किसी विशेष व्यक्ति को नहीं, पूरी संस्था को मिल रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, वो टाइम पीरियड है 2006 का। 2006 में इसे कौन सा पुरस्कार मिलता है, तो वह है प्रिंस ऑफ अस्तूरियन। क्या है, प्रिंस ऑफ अस्तूरियन या अस्तूरियन करके आप लोग कहीं भी इंग्लिश में हिंदी में कुछ भी होगा याद रखेंगे, प्रिंस ऑफ अस्तूरियन अवार्ड या फिर पुरस्कार। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया कि यूनिसेफ को कुल कितने पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो तीन। कौन सा, 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार, 1989 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, 2006 में प्रिंस ऑफ अस्तूरियन पुरस्कार इसे प्रोवाइड किया गया, ठीक। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोगों ने यूनिसेफ से रिलेटेड सारी चीजों को कवर कर लिया है। आई होप कि अगर आप लोग वीडियो शुरू से लास्ट तक देखे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आप लोगों का कंफ्यूजन अभी तक रह गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो शबनम को फांसी हो रही है, भारत की पहली महिला की, अगर आप लोग कहेंगे जो रिस्पॉन्स होगा, राष्ट्रपति कैसे क्षमादान, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की याचिका कैसे दायर की जाती है, ये सब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसे सजा होती है वो राष्ट्रपति के पास गुहार लगा सकता है, याचिका दायर कर सकता है, और राष्ट्रपति के ऊपर है कि वह माफ कर सकता है या नहीं। लेकिन भारत की पहली महिला है जिसे फांसी हो रही है और राष्ट्रपति द्वारा भी इसे माफ नहीं किया गया, उसके बच्चे द्वारा अर्जी लगाने पर भी, तो ऐसा क्या है। लेकिन अभी किसी को पता नहीं है कि फांसी कब होगी, ठीक है। आगरा की जेल में उसे फांसी होने वाली है। फांसी का जो फंदा होता है, उसकी जो लस्सी होती है, वो बिहार के बक्सर से मंगाई जाती है, वो अभी मंगाई जा चुकी है। और जिस जल्लाद ने निर्भया के दोषियों को क्या किया था, फांसी दिया था, वो अभी पहुंच चुके हैं वहां पर, रिहर्सल उनका चल रहा है। ऐसे कि फांसी का फंदा बनाकर जितना वेट है जिसे फांसी दी जा रही है, उसके हिसाब से पत्थर वगैरह बांध कर एक बोरे में लटकाया जाता है, पूरी तरह से उसे समझा जाता है कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चल रहा है, अभी डेथ वारंट जारी नहीं हुआ है, कोई नहीं बता सकता कि डेथ वारंट कब जारी होगा। जिस दिन डेथ वारंट जारी हो गया उसी दिन उसे फांसी दे दी जाएगी। तो क्या राष्ट्रपति इस पर रोक अभी लगा सकते हैं, ये सारी चीजें अगर आप लोगों को जानना है, अनुच्छेद कौन सा है और क्या क्या शक्तियां हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बोलेंगे, कल मैं उस पर वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो चलिए आपके लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।